चक्रवाती तूफान यास का असर अब ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर दिखना शुरू हो गया है। तेज हवाओं और बारिश से अनुमान लगाया जा सकता है कि तूफान कितना गंभीर है। वैसे मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसीलिए प्रशासन पहले से मुस्तैद था। वायुसेना राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई है। रेलवे पहले ही कई ट्रेनें रद्द कर चुकी है और अब हवाई यात्रा भी स्थगित है। तो कैसा रहेगा यास का असर, आइए देखते हैं। चक्रवात यास का असर अब ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के तट पर लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले कुछ घंटों में यास के उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। ओडिशा के बालासोर और भद्रक जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा समुद्र का पानी दीघा शहर में प्रवेश कर चुका है। दोनों राज्य हाई अलर्ट पर हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में कई घर तूफान और तेज बारिश की वजह से तबाह हो गए हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कोलकाता एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट से 26 मई की सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 बजे तक सभी उड़ानें निलंबित रहेंगी। तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ ने 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 115 टीमों की तैनाती की है। इससे पहले चक्रवात को देखते हुए रेलवे ने 24 मई से 29 मई के बीच चलने वाली 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया था। अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात का सबसे ज्यादा असर तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होगा। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसका प्रभाव दिखाई देने की आशंका है। इन राज्यों के अलावा झारखंड रेलवे के तटवर्ती इलाके भी तूफान यास से प्रभावित हो सकते हैं। असम, मेघालय, यूपी और बिहार के कई इलाकों में भी तूफान की वजह से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।